वो मजबूर हुआ था गहने चोरी करने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि कुशवंत की जो भी प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई। डॉलर इज़ फॉलिंग इन लव फॉर अमृता। अभी थोड़ा वक्त लगेगा बिकॉज पहली बार उसे प्यार हुआ है। मेरे को लगता नहीं डॉलर सेक्रीफाइस करने वालों में से है। इनफैक्ट वो शायद अपना प्यार जगा दे अमृता के अंदर। डॉलर ने वो किया है जो वो करना नहीं चाहता था। वो अपनी मॉम को लेकर इमोशनल है और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। हाय गाइज, दिस इज़ रेयान श्रीचड्डा एंड यू आर वॉचिंग सेलेब मोड। हाय, क्योंकि डॉलर ने वो किया है जो वो करना नहीं चाहता था। वो मजबूर हुआ था गहने चोरी करने के लिए बिकॉज़ वो अपनी मॉम को लेके इमोशनल है और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। और उसे ये अच्छा नहीं लग रहा कि जिस लड़की से वो प्यार करने लगा है उसके घर वाले या उसके साथ ऐसा हो जहाँ पे उनकी बेइज्जती हो, इंसल्ट हो, और जिसको बुरा लग रहा है इस चीज़ को लेके। इसलिए वो इस माहौल में भी काफ़ी टेंस्ड है। हाँ, मैं तो बहुत खुश था बिकॉज़ मैं नहीं चाहता था कि इस परिवार के साथ या अमृता के परिवार के साथ कुछ गलत हो। और मैं बहुत खुश हूँ कि कुशवंत की जो भी प्लानिंग थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई। वो तो डॉलर इज़ फॉलिंग इन लव फॉर अमृता एंड वो अपना प्यार इजहार करना चाहता है। थोड़ा थोड़ा करके कर रहा है। थोड़ा उसको भी थोड़ा वक्त लगेगा बिकॉज़ पहली बार उसे प्यार हुआ है। तो बस वही चल रहा है। मेरे को लगता नहीं डॉलर सेक्रीफाइस करने वालों में से है। इनफैक्ट वो शायद अपना प्यार जगा दे अमृता के अंदर। तो वो आपको आने वाले एपिसोड्स में पता लगेगा एग्जैक्टली क्या होता है। मैं अपने फैन से यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट दिया है एंड इस किरदार में आई एम पुटिंग माई हार्ट एंड सोल। एंड बहुत मज़ा आएगा आपको इस किरदार को देखने के लिए बिकॉज इसमें बहुत सारी लेयरिंग है। आप आगे चल के देखेंगे कि जितना फुल ऑफ लाइफ है उतना ही इंटेंस और इमोशनल भी है। अपने रिलेशंस को लेके, अपनी मॉम को लेके जिससे उसे प्यार हुआ है, अमृता को लेके, और वो साइड भी देखने को मिलेगी आपको। तो प्लीज़ देखते रहिए ये शो।